आरएसएस और बीजेपी के बीच होने वाली सालाना बैठक में इस बार इस बात पर जोर दिया जाएगा कि 2019 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता से कैसे निपटा जाए, साथ ही कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कैसे कम किया जाए ताकि 2019 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब ना बने। इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे गोन्यू संवाददाता रमन मंगई। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की सूरजकुंड में एक बैठक हुई, जिसमें संघ से जो कि भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं संगठन मंत्री होते हैं, 60 के करीब संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे और भैया जी जोशी इसमें थे, दत्तात्रेय होसबोले इसमें थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी लगभग 8 घंटे इस बैठक में बिताए। उसके साथ ही साथ संघ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने घर में डिनर पर बुलाया और इस पूरी की पूरी बैठक की कवायद इस बार महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि ये बैठक भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच हर साल होती है, लेकिन इस बार की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2019 का चुनाव सामने आ गया है और पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस बात की को लेकर है कि जो विपक्ष का महागठबंधन है, जो विपक्षी एकता है, उससे कैसे निपटा जाए। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है, कई कार्यकर्ताओं में कई जगह पर नाराजगी है अपने नेताओं के व्यवहार को लेकर, तो उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी चर्चा उस बैठक में हुई। और अगर उसकी बात करें जो सांसद हैं, तो ये बताया गया कि इनको जिम्मेदारी दी गई है जो संगठन मंत्री हैं कि वो अपने क्षेत्रों में जाएं और जो भी सांसद हैं उनका जो काम रहा है पिछले 4 साल का उसकी भी एक रिपोर्ट कार्ड तय करें और आलाकमान तक पहुँचाएँ, यानी आने वाले वक्त में इस रिपोर्ट कार्ड का सांसदों को मिलने वाले टिकट पर भी असर पड़ सकता है। रफीक के साथ रमन मंगई, गो न्यूज़ दिल्ली।